नितिन गडकरी जी के रिसेंट स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला, एक्चुअली आई फील दैट दिस इज अ कार्टेल बाय सम बिग पीपल आर डूइंग इन सीमेंट एंड स्टील। अब ये क्या होता है इसको पूरा हम लोग जानेंगे इस पूरे वीडियो में, और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है या क्या लॉस होने वाला है इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली जो सीमेंट और स्टील के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के। अगर मैं बोलूं कि सीमेंट और स्टील, तो सीमेंट आप लोगों को पता है कि एक बाइंडिंग मटीरियल है, और उसके साथ साथ में जो स्टील होता है हमारा वो हम यूज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसके साथ साथ में ही उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। जो हमारा कॉन्क्रीट होता है वो एक कंप्रेशन मेंबर होता है, मतलब कि कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, और जो स्टील होता है वो हमारा वो टेंसाइल में स्ट्रांग होता है। इसीलिए यहाँ पे रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट बनाया जाता है, ताकि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्रेशन में एज वेल एज टेंशन में दोनों में ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके और स्ट्रांग रह सके। अब आप लोगों को पता होगा कि दो टाइप की कॉन्क्रीटिंग होती है हमारी, एक PCC और एक RCC। तो इसके बीच का जस्ट मैं एक डिफरेंस बता देना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा जाता है इंटरव्यू में हमारे इंजीनियर से, और इसका जो एक अच्छा आंसर हम कर सकते हैं, जैसे कि जो PCC होता है उसमें हम लोग 40 mm, 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट्स यूज करते हैं, और जो हमारा RCC होता है उसमें हम लोग 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट्स यूज करते हैं। अगर मैं RCC में 40 mm के एग्रीगेट्स यूज करता हूँ, तो मेरी जो रीइंफोर्समेंट लगी हुई है वो रीइंफोर्समेंट में 40 mm के एग्रीगेट्स फंस सकते हैं, और उस स्पेस में मेरा कॉन्क्रीट फिल आउट नहीं होता है, तो जब मैं शटरिंग रिमूव करूंगा तो वहां मेरे को हनीकॉम्बिंग दिखने लग जाएगी। तुम्हारे इंडस्ट्री में स्टील इंडस्ट्रीज बहुत तरह की हैं, और वो जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं उनके पास अपने खुद के आयरन ओर्स हैं। आयरन ओर्स से ही आपका जो है स्टील वो बनता है। अब जो इसमें रीसेंट था कि ये कि उनके आयरन ओर्स उनके पास पहले से ही हैं, जितने भी माइंस हैं वो सब भी पहले से हैं, जितने लेबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उनके सैलरी में किसी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं लग रही है, फिर भी जो स्टील के रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जो रीसेंट के अगर मैं 6 months के एनालिसिस की बात करूं, तो इस पिछले 6 महीनों के एनालिसिस में जो स्टील के और सीमेंट के रेट्स हैं वो 65% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये सब जो बढ़ने का कारण है वो यही है कि तभी नितिन गडकरी जी ने बोला कि देयर इज अ कार्टल इन द सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री। मतलब कार्टल एक ऐसा समूह या एक ग्रुप ऑफ पीपल से हम लोग बोल सकते हैं, जो इस प्राइस को, जो इस प्रोडक्ट की प्राइस है उसको हाई मेंटेन करने में लगे रहते हैं। तो उसी चीज को देखते हुए नितिन गडकरी जी ने बोला है कि अब हम जो सीमेंट और स्टील, जो कि एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और जो मेजर है, क्योंकि जितने भी अभी तक के कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने देखा होगा उसमें सीमेंट का यूज होता है, स्टील का यूज होता है, तो ये देखते हुए जो गवर्नमेंट आने वाले 5 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात कर रही है, जिसके लिए उन्होंने 111 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने वाले हैं इंडिया में, और ये जो सीमेंट और स्टील के जो रेट्स हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यार सीमेंट और स्टील जो होता है हमारा मेजर कंपोनेंट है, और सबसे ज्यादा जो कॉस्टिंग लगती है कोई भी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उसमें सीमेंट और स्टील के रेट्स को। इसीलिए कहीं कहीं प्रोजेक्ट में भी आपने रिकंसिलेशन करते हुए देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेस्टेज है उसको कहीं ना कहीं हमको कंट्रोल करते हुए चलना रहता है, और यहाँ पे कंट्रोल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक इंजीनियर की, कि वो कैसे अपने साइट में कम से कम वेस्टेज में ज्यादा से ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सके। तो जैसे इसी तरह से अगर सीमेंट और स्टील के रेट्स बढ़ते जाते हैं, तो आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। उसको देखते हुए भी एक रिसर्च करने के लिए बोला गया है, अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए बोला गया है कि क्या ऐसे मटेरियल्स हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग स्टील और सीमेंट का अल्टरनेटिव की तरह पे यूज कर सकते हैं। तो नितिन गडकरी जी ने एक रिसर्च लेके लिए भी बोला है कि आप रिसर्च करिए और इसका अल्टरनेटिव ढूंढिए कि क्या क्या ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम लोग सीमेंट या स्टील के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिससे मेरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की स्टेबिलिटी भी रहे और उस बिल्डिंग को स्ट्रेंथ भी मिलते रहे।
तो आई होप इंजीनियर्स आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो साइट पे काम कर रहे हैं उनको शेयर करिए और बताइए कि जो स्टील के रेट्स बढ़ रहे हैं उसके कारण क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड नाउ।